हेलो दोस्तों, दिनेश्वर महाराज टोने टोटके में आप सबका स्वागत करता है। दोस्तों, जैसे मैंने आप सबको बताया था वीडियो में, मैंने अपने मुंबई का एड्रेस भी दे दिया था और ये मेरा अपना बैठक है। यहाँ पे कोई किसी तरीके का कोई टेंशन नहीं, आपका काम करने में मुझे एकदम माइंड फ्री होके काम करूंगा मैं, और काम करने में भी मुझे अच्छा लगेगा। और हमारे शक्तियों के लिए जो मैंने अपना एक बैठक बनाया है, बहुत ही अच्छा बैठक बनाया है ताकि मैं लोगों का काम कर सकूं। दोस्तों, पहली बात मैं आप सबको बताना चाहूंगा, उसे आप ध्यान दें। लोग कहीं से भी आए हमारे पास, इंडिया में कहीं से भी आए, किसी भी धर्म के लोग आए हमारे पास, हमें उन्हें ठीक करने का काम करना है। जिस प्रकार से एक मैकेनिक, जैसे मैं वीडियो में आपको बताया था, एक मैकेनिक गाड़ी का मैकेनिक जो होता है, गाड़ी के किस पार्ट में तकलीफ है, गाड़ी क्यों नहीं चल रही है, वो उस पार्ट को लगाता है, गाड़ी चलना स्टार्ट हो जाता है। उसी तरीके से मैं एक मैकेनिक हूं जो आप सबको ठीक करने के लिए एक जरिया बन गया है। और मैं आपको हमेशा हर बार किसी न किसी वीडियो में एक चैलेंज देता हूं कि भूत प्रेत डाइन डंकनी हो, जिन का हो, जिन्नात का हो, उसे मुझे एक मिनट नहीं लगते उसे छुटकारा देने, क्योंकि मेरे पास जो शक्तियां हैं यही है। हमारे माता रानी दुर्गा जी हैं, भजन बलि हैं, भैरव बाबा हैं। तो भैरव बाबा को सब भगवान मानते हैं, भैरव बाबा मानते हैं, लेकिन भैरव बाबा मेरे बड़े भाई हैं। और ये भी एक लंबी कहानी है, मेरे खानदान से एक लंबी कहानी है कि जो मेरे पिताजी थे उनके पास भैरव बाबा जी थे। मेरे पास हल्का सा अंश था कि छोटे मोटे काम हो जाते। जैसे मेरे पिताजी ऑफ हुए, भैरव बाबा डायरेक्टली मेरे पास आ गए। तो मैं यही बोलूंगा मेरे पिताजी को, उनको मैं धन्यवाद बोलूंगा कि उन्होंने अपनी जगह मुझे दे दिया और मैं लोगों के काम में लग गया और लोगों का काम मैं कर रहा। तो बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जब भी आए यहाँ पे हमारे पास, तो एक दिन पहले जितने कमरे हैं उस कमरों में एक एक नींबू, हर एक नींबू एक एक कोनों में होना चाहिए। जैसे एक कमरा है तो एक कमरे में चार कोने होते हैं, तो चार नींबू रखें। इस प्रकार से अपने घरों के अंदर वो नींबू रख लें, और जायफल और एक नींबू जो है अपने मंदिर में रख लें, जो आपके घर में मंदिर, जो सुबह में आप पूजा पाठ करते हैं वहां पे रख लें। और दूसरे दिन उसे सुबह सुबह उसे एक साथ में एकत्रित कर लें और वो सारा सामग्री लेकर मेरे पास आ जाए, ताकि आपके घरों के अंदर जो पनौतियां लगी पड़ी है, जो भूत प्रेत का साया है, उसे मैं निकालूं। हर एक इंसान, हर एक मेरे भक्तों के पास, उनके घर पे जाने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, पर आपको टाइम है, आप आ सकते हो। जितना बात मैंने बताया है वो अपने माइंड में रखें। जब भी मुंबई आए, मैं महीने में 8 दिन मुंबई के अंदर बैठ रहा हूं, सैटरडे संडे। आप कहीं से भी आ सकते हैं, सैटरडे संडे मैं मुंबई में मिलूंगा, मैं चाहे उसके बीच में कहीं पे भी जाऊं, पर सैटरडे संडे जो है मेरा मुंबई फिक्स है। सैटरडे संडे जो मेरा मुंबई में फिक्स स्थान है, मैं यहां पे रहूंगा, लोगों की सेवा करूंगा। दोस्तों, आप अपने माइंड से वहम निकाल दें। मैंने पहली बात बताया था मैंने आपको कि आपका विश्वास और मेरा काम, काम तो मैं 100% करता हूं, विश्वास आपका भी 100% होना चाहिए। अगर विश्वास नहीं है तो कुछ नहीं है। इसीलिए मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं, जिसको जो भी प्रॉब्लम हो वो डायरेक्ट आके मिलेगा, जिसके सर में मेरा हाथ जाएगा, वो भूत प्रेत डाइन डंकनी जिन्नातों से मुक्ति पा जाएगा। ये मेरी अपनी गारंटी है, ठीक है दोस्तों। और देखें इस वीडियो को, और देखने के बाद आप अपने कष्ट को दूर करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। आप मेरे पास आ सकते हैं, आप मुक्ति पा सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद। नमस्कार।